राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महिला प्रकोष्ठ के अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंघ। हम 21 मार्च को सेक्टर 15 पार्ट 2 के कम्युनिटी हॉल में हम 11 बजे से एक महिला सशक्तिकरण समारोह मना रहे हैं, साथ में होली मिलन समारोह भी होगा। और ये सब कुछ हमारे अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के बैनर तले मनाया जाएगा और इसमें महिलाओं के ऊपर परिचर्चाएँ की जाएंगी। हमने जो गेस्ट इनवाइट करे हैं वो भी हमारी ज़्यादातर महिलाएं ही हैं। गुड़गांव की मेयर हैं मधु आजाद जी, वो हमारी मुख्य अतिथि होंगी। साथ में मुख्य अतिथि की ही भूमिका में श्री रामचंद्र जांगड़ा जी एमपी जो राज्यसभा हैं उनकी मिसेज होंगी और साथ में रामचंद्र जांगड़ा जी भी मौजूद रहेंगे और श्री राजकुमार सैनी जी भी अपनी वाइफ के साथ मौजूद रहेंगे। राजकुमार सैनी जी कुरुक्षेत्र के पूर्व एमपी रह चुके हैं और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो भी हैं। तो ये हमारा एजेंडा है 21 मार्च का। मैडम, कोरोना काल है और ऐसे में आप होली मिलन समारोह मना रहे हो, नियमों की क्या पालना की जाएगी होली मिलन समारोह में? ये पूरे तरह से नियमों का पालन किया जाएगा, दूरियां भी रखी जाएंगी और जो सिस्टम है उसको पूरे तरीके से फॉलो किया जाएगा। मास्क भी होंगे और सैनिटाइजर भी यूज़ होंगे, सब कुछ हम गेट पे रखवाएंगे। और रही होली मिलन की बात, हम कोई वो रंगों से भरी हुई होली नहीं खेलने वाले हैं। हम चंदन के तिलक के साथ होली खेलेंगे, फूलों के पंखुड़ियों से होली खेलेंगे और वो होली मिलन एक तरीके से एक फॉर्मल लेवल पे चलेगा, बहुत ज़्यादा इतना नहीं होगा। गेट से ही हमने स्टार्ट करना है कि जो भी हमारे बंदे वहाँ पहुँचते हैं उन सबका वहीं फूलों से स्वागत किया जाएगा, चंदन का तिलक लगा करके उनको अंदर तक लाया जाएगा। तो होली हमारी वो हो जाएगी और फिर मेन हमारी सेमिनार रहेगी महिला सशक्तिकरण के विषय पर। मैं रतनलाल शर्मा विश्वकर्मा, अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे विश्वकर्मा समाज को अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़कर हम लोगों ने अपने समाज का हाल खराब किया हुआ है, इसको सुधारने का समय आ चुका है। हमारे भारत में विश्वकर्मा समाज की अगर हम देखें, काउंटिंग करें तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि समाज हमारा सबसे बड़ा समाज है भारत के अंदर, कम से कम 40 से 50% हमारे लोग आबादी में आते हैं। हर एक इंजीनियर के नीचे काम करने वाले मजदूर, एक मिस्त्री के नीचे काम करने वाले मजदूरों में मैक्सिमम सारा ही विश्वकर्मा समाज होता है। जितने मजदूर लोग काम करते हैं उसमें मैक्सिमम विश्वकर्मा समाज होता है। वैसे तो विश्वकर्मा समाज का बच्चा पैदा होते इंजीनियर ही होता है, उसको किसी कॉलेज या स्कूल की जरूरत नहीं है। हमारा यह संगठन कोशिश ये कर रहा है कि जो भी विश्वकर्मा कहीं भी छोटे से आखिरी विश्वकर्मा जो कि गांव में है, शहरों में है या कहीं झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है, जिसको ज्ञान ही नहीं है कि वो क्या है, जिसको यही नहीं पता कि हम लोग पिछड़ क्यों रहे हैं, उसका मेन कारण है राजनीति। राजनीतिक पार्टियों ने इस वक्त विश्वकर्मा को अंग्रेजों के टाइम से टुकड़ों में बांटा हुआ है। ये पाँच, एक पिता के पाँच पुत्र हैं, इन पाँचों को शुरू से ही अलग किया गया है, इस वजह से ये विश्वकर्मा समाज एक नहीं हो पा रहा। महासचिव अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन की सेवा में हूँ। इस महासंगठन का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है या यूनिक सर्विस फीचर है वो ये है कि ये सारा का सारा संगठन एक व्यवस्था के तहत काम कर रहा है, सिर्फ कर नहीं रहा है, एक व्यवस्था के तहत काम कर रहा है। और क्योंकि संपूर्ण समाज खाली पुरुषों से नहीं बनता, इसमें हमारी महिलाएं भी आती हैं, इसमें हमारे बच्चे भी आते हैं, समाज की परिभाषा इन सबसे ही पूरी होती है। इसलिए व्यवस्था में शुरू से ही हमने पुरुष को स्थान दिया है, महिला को स्थान दिया है, युवाओं को स्थान दिया है, युवतियों को स्थान दिया है। हर एक जो भी समाज के लिए कुछ करना चाहता है उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था है। दूसरी बात, संख्या बल पैदा करने के लिए हमें समाज को इकट्ठा करना है, इसलिए समाज के लिए पूरी व्यवस्था है। समाज अपना राष्ट्र के लेवल पे, प्रदेश के लेवल पे, जिले के लेवल पे, शाखा लेवल पे, हर लेवल पे हमने योजना बनाई है कि इस योजना के तहत आप जुड़ के समाज के लिए काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से राजनीति में आगे आने के लिए उसके लिए भी पूरी व्यवस्था बनाई गई है। हर लोकसभा के अंदर एक लोकसभा का हमें अधिकारी नियुक्त किया है ताकि वो पूरी लोकसभा पर ध्यान रख सके।
इसी प्रकार से विधानसभा के लिए भी हमने योजना बनाई है, विधान के नीचे पार्षद लेवल पे भी बनाई है और बूथ लेवल तक हमने जाके योजना बनाई है। एक बहुत सुचारू रूप से व्यवस्था के तहत पूरे काम को करना संभव किया है और ये सारी की सारी योजना एक वेबसाइट के माध्यम से www.absvm.com के माध्यम से हमने अपने सारे पदाधिकारियों तक पहुंचाई। सशक्तिकरण आजकल के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और ये देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारी पहले वाली पीढ़ी, हमारी माँ है, दर्शना आंटी हैं, सब लोग जो महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि महिलाएं कैसी हैं, इंडिपेंडेंट बने, हम ही जैसे हैं, हम ही इंडिपेंडेंट हैं, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेते हैं, अपने लाइफ डिसीजंस खुद लेते हैं, कहीं से भी डिपेंडेंट नहीं है किसी की तरह से, घर भी संभालते हैं, बाहर भी संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आई थिंक हाई टाइम है कि सबको ये समझा जाए, ये बात दोनों तक पहुँचे। इस समाज का मिशन यही है कि महिलाओं की आवाज़, महिलाओं का उत्थान, सब कुछ, इसीलिए नेक्स्ट बट अब भी ना कई महिलाओं को आगे नहीं किया जा रहा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं पे तो स्टेप उठाना ही पड़ेगा और कहीं से भी उठे, बूंद बूंद से सागर बनता है। ये छोटी सी पहल इस समाज से है, कल तक ये बहुत आगे भी पहुंचेगी। इस समाज की जड़ें हर जगह हैं, धीरे धीरे ये सारा का सारा फैल रहा है ABSVM, तो आगे भी बात बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है, हम शुरुआत करेंगे तो आगे भी शुरुआत होगी। ये पीढ़ी कर रही है, हम करेंगे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी खुद से खुद करेगी, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पहल करना बहुत ज़रूरी है। और यही ये समाज का एक मुख्य यही है मैसेज महिला सशक्तिकरण। गरीब जी बहुत अच्छी बात कही। जैसा कि अभी आपने एक सवाल पूछा कि महिलाओं को बाहर निकलने नहीं दिया जाता, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमने देखा महिलाएं महिला की दुश्मन होती है कई बार, है ना? मैं चाहती हूँ कि आप जैसे अपनी बेटी को समझते हैं, जैसे बेटी को समझते हैं, वैसे आप अपनी बहू को भी बेटी का दर्जा दीजिए, तभी मन में आपके वो भावना आएगी। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी बहुत ऊंचे जाए, ये बने, वो बने, वो एक महान हस्ती बने, तो आप जब तक बहू को बेटी का दर्जा नहीं दोगे तो वो भावना मन में आएगी कैसे? और जब तक हम अपनी बहुओं को बेटियों की तरह नहीं मानेंगे, हम महिला सशक्तिकरण की बात ना करें तो अच्छा रहे, है ना? बेटियों के बराबर बहुओं को माने, उनको पूरा सम्मान दें, उनको आगे बढ़ने में योगदान दें, उनके स्टडी अगर पूरी नहीं है तो उसको पूरी करवाएं। ये सब अगर आप करेंगे तो अपने आप ही बेटी बचाओ वाला भी नारा आपका बुलंद हो जाता है, लड़कियाँ अपने आप ही सफल हो जाती हैं और घर भी सफल होते हैं इसी तरह से। तो जो ये सशक्तिकरण की हम बात करें, हमारे इस संगठन में आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि राजनीतिक प्रकोष्ठ जो हमने बनाया है वो पूरी तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है। पूरे हरियाणा में 10 की 10 लोकसभाएं हमारी पूरी हैं और 90 विधानसभाएं हम उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। और एक जो स्पेशल बात है, उसमें हमारी महिलाएँ भी शामिल हैं। एक करीब 40% संख्या हमारी महिलाओं की उसमें आ चुकी है राजनीतिक प्रकोष्ठ में, क्योंकि मेन ध्येय हमारा इसका यही है कि महिलाएं भी राजनीति से प्रेरित हों। जैसे पुरुष होते हैं, ऐसे ही हम महिला और पुरुषों को आगे ला रहे हैं इस संगठन के माध्यम से, खासकर राजनीति के मैदान में, ताकि वो नेता बने ज़्यादा से ज़्यादा। उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करो, क्योंकि नारी को बहुत छोटी नज़र से देखा जाता है। वो सिर्फ घर में रोटियां बनाए, बच्चों को पाले, बस इतना ही उनका दायरा बनाया हुआ। हम इस दायरे को तोड़ना चाहते हैं और अपने बहनों को आगे लाना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि आप कमज़ोर नहीं हो, आप बहुत शक्तिशाली हो और आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, जरूरत पड़ने पे अपने परिवार को आर्थिक रूप से भी सहयोग दे सकते हैं। यही है हमारा मैम, किसी जगह परिवार से हो जाता है कि परिवार ना बढ़ने देता है लेडीज को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हमारे बाप होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, अगर हमने ठान लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बाधा बहुत आएंगी, रुकावट बहुत आएंगी, लेकिन अगर हम रुक गए तो फिर तो खत्म है। उनका सबका सामना करके हमको आगे निकलना है। हमें हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।